हे गाइस, क्या हाल है भाई हो? तो फिर से एक वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं एक मार्बल मोड, जो कि हमारे पास ये है गाइस। मैंने एक मार्बल लिया है जो कि कंचे कहते हैं हमारे, उसमें हमारे लैंग्वेज में, लैंग्वेज तो सबकी सेम ही होती है, हमारी भाषा में गाइस, सॉरी। तो जो हम वहाँ जा रहे थे वहाँ पर इसको कंचे कहते हैं, कंचे जो कि खेलते हैं, जिससे निशाने लगा के मारते थे। मैंने कभी ज़्यादा खेला नहीं है इनसे, बट आज हम इसे खेलेंगे। लेकिन जो जिस जैसे इनसे खेलते हैं वैसे नहीं खेलेंगे हम, बेब्लेड में खेलेंगे इनको। तो ठीक है, मैंने इसके लिए यूज़ किया है लियोन को यूज़ किया है, और मैंने थोड़ा सा वेट बैलेंस बनाने के लिए जो ग्लू गन होती है उसको थोड़ा सा नीचे तक ले गया हूँ मैं। जो ये देखो होती है ना, जो थोड़ा सा मैंने देखो यहाँ पे ज़्यादा मोटा कर दिया इसको, ताकि बैलेंस बना रहे वेट का। ओके, और ये जो ड्राइवर है ये एक स्टेमिना विद अटैक ड्राइवर कह सकते हो इसको, क्योंकि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो ये बहुत ज़्यादा अटैक टाइप बन जाएगा, और ये इन कंट्रोल रहा तो बहुत ज़्यादा स्टेमिना टाइप बन जाएगा। तो इसका ये गेमिंग है गाइस। और भाई ये देखो यार, फ्लैश सेजिटेरियो जैसा लग रहा है ये कितना लंबा हो गया भाई ये ऊपर से नीचे से, भाई बढ़िया हो गया यार ये तो। ठीक है, जो भी है, और सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या होती है गाइस, जो ग्लूगन होती है, ग्लूगन से जो भी हम मोड ट्राई करते हैं वो किसी भी बेबेड को हार्म नहीं करती यार। मतलब इसको हम आराम से निकाल सकते हैं, पूरी की पूरी ग्लूगन सारी की सारी निकल जाती है ये, तो ये किसी बेबेड को हार्म नहीं करती, जिससे कि हमारे बेबेड की लाइफ, मतलब जो क्या कहते हैं, ख़राब होने की क्या कहते हैं टाइम, वो ख़राब नहीं होगा, नहीं जो भी है गाइस। ठीक है, ओके, तो इसका वेट देख लेते हैं। नॉर्मली 35 ग्राम के आसपास होता है मेटल फ्यूजन वाले बेब्लेट्स का, अभी इसका देख लेते हैं। इसका होगा 46 ग्राम के आसपास, क्योंकि इसमें मार्बल का वेट भी है और ग्लूगन का वेट भी है, ग्लूगन की ग्लू का वेट भी है, तो दोनों का वेट मिला के इसका 46 हो गया है, यानी कि ये काफ़ी बढ़िया हो चुका है भाई। चलो अब इसकी फाइट कर लेते हैं, पहले इसका स्पिन टाइम देखते हैं गाइस। यार स्पिन टाइम देख तो लेते हूँ मैं, लेकिन स्पिन टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है। ओके गाइस, तो ठीक है, इन 3 2 1 हो जाए शुरू, स्टार्ट। 1 सेकंड हम प्लस कर देंगे, देखो अभी ये अटैक टाइप मोड पे है। अरे यार ये यही गलत बात है, बस यही गलत बात है, अगर ये नहीं कंट्रोल हुआ तो ये बाहर चला जाएगा। ओके दोबारा ट्राई करते हैं, 3 2 1 हो जाए शुरू। कम ऑन, इस बार मत जाना, इस बार मत जाना, इस बार मत जाना। वहीं पे जा रहा है, स्टेडियम बदलना पड़ेगा गाइस। अरे बंद हो जा भाई। ओके तो अब नहीं जाएगा बाहर, अब तो करेगा भाई, अब तो इसको करना ही पड़ेगा। स्टार्ट, देखते हैं 2 मिनट 3 मिनट। भाई इसमें तो आराम से चल रहा है, ये जो टीटी वाला था उसमें ज़्यादा नखरे कर रहा था, हैश ब्रो आते ही आराम से चलने लग गया। नहीं 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 गलत बोल दिया मैंने, जल्दी बोल दिया, अपने तेवर दिखाने लग गया गाइस, अटैक टाइप होने लग गया, लोगों को दौरे उठते हैं और इसको भी दौरे उठ रहे हैं। स्टार्टिंग में स्टेमिना टाइप होके फिर अब अटैक टाइप में बदल रहा है, अब फिर से स्टेमिना टाइप हो चुका है। तो कितना लगता है गाइस, कितना स्टेमिना होगा इसका, कितना? मेरे ख्याल से 2 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो करते हैं भाई फास्ट एंड फॉरवर्ड, और मिलते हैं हम एंड में जब सारा टाइम ख़त्म हो जाएगा। फास्ट एंड फॉरवर्ड भी नहीं करता मैं, कट कर दूंगा भाई, इतना भरोसा तो करते होगे शायद कि मान लोगे मेरी बात, क्योंकि फास्ट एंड फॉरवर्ड में बीच में बोर हो जाओगे मैं फास्ट एंड फॉरवर्ड करूँगा तो चलो इसको कट कर देंगे। ओके गाइस, लड़खड़ाते लड़खड़ाते 2 मिनट तो कर ही गया भाई, लेकिन फैंटम ओराइन का कोई मुकाबला कर नहीं सकता, ये तो मैंने देख लिया। 2 मिनट 10 सेकेंड, नाइस, सबसे ज़्यादा फैंटम ओराइन का ही है गाइस स्टेमिना, भाई अभी भी चल रहा है यार, कमाल कर दिया इसने तो। लड़खड़ाता है फिर खड़ा हो जाता है, लड़खड़ाता है फिर खड़ा हो जाता है, इस बार लड़खड़ा गया। अरे बंद हो जा। ओके 2.5 सेकंड पूरा, नाइस, मेरी एक्सपेक्टेशन से आधा मिनट ज़्यादा चला है भाई ये तो। चलो अब इसकी फाइट करते हैं, कितना सही लग रहा है यार कैमरे में ये, भाई कैमरे में अच्छी क्वालिटी आती है कोई नो डाउट, बस कैमरे की एक दिक्कत है, फोकस प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, बस उसकी वजह से थोड़ा सा बुरा लगता है। अरे हक दिया भाई, हाँ रुको, इसको ये ख़राब हो गया, पिछली वीडियो में बनाया था अभी ख़राब भी हो गया ये, हट रुको, मैंने बोला था ना उसकी इतनी कुछ खास ड्यूरेबिलिटी नहीं है, वो जब जल्दी ख़राब हो जाएगा ये। चलो गाइस अब इसकी फाइट कर लेते हैं। ओके गाइस तो स्टार्ट करते हैं भाई, और इसी स्टेडियम में करेंगे आज, मेरे को मेटल फाइट्स के लिए काफ़ी अच्छा लगता है ये स्टेडियम। ओके ट्विस्टेड टेम्पो वर्सेस लाइट, ओ क्या कहते हैं, लियोन विद मार्बल,
लिवियोन विद मार्बल, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं कौन जीत पाएगा। कमॉन कमॉन कमॉन, ओ हो थोड़ा सा हाई मोड पे है लियोन, इसलिए ट्विस्टेड टेम्पो इसको बहुत इजीली हरा पा रहा है, बहुत इजीली हरा पा रहा है भाई। ये तो बहुत ज़्यादा वो हो गया गाइस, एक टाइप से कमजोरी हो गई है तो लियोन की। तो ये जो मार्बल मोड है, जिसने भी आइडिया दिया था, कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, लेकिन फिर भी ट्विस्टेड टेम्पो को हरा दिया तो हम खास कह देंगे इसको। भाई ट्विस्टेड टेम्पो को हरा दिया यार, कैसे हराया ये भाई, सोचा ही नहीं था मैंने। ठीक है, बारी है अब इसकी, नेमेसिस की। ओके 3 2 1 हो जाए शुरू, देखते हैं नेमेसिस से। नेमेसिस को तो हाई मोड पे कर देना चाहिए था मेरे को, बट कोई नहीं, अब तो लॉन्च कर ही दिया। ओ ओहो भाई, फ्लैश सेजिटेरियो और लियोन की पावर, नाइस भाई। लियोन की जो अटैक पावर है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लियोन की जो अटैक पावर है यार। हालांकि डिफेंस टाइप बेब्लेड है, लेकिन अटैक बहुत गंदे तरीके से करता है ये। अभी तक दोनों बेब्लेड हार चुके हैं भाई, प्रोटोटाइप नेमेसिस भी हार गया। बारी है इसकी, ये भी हाई मोड है और ये भी हाई मोड है, तो इन दोनों का फाइट देखना ही बनेगा भाई, मतलब देखता ही बनेगा, ऐसा ही कुछ ही कह सकते हो। ओके तो अभी मैं करता हूँ, हाँ तो अभी इन दोनों की फ़ाइट करते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतेगा। दोनों हाई मोड पे हैं, लेकिन लियो, ओ नो के, ये बढ़िया है यार, ये रिंग आउट होते हैं ना तो ऐसे ऐसे गड्ढे में चले जाते हैं। मेरे को ग्रीन स्टेडियम काफ़ी अच्छा लगा गाइस, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी सस्ते में मिल जाता है अमेज़ोन पे भाई, इससे सस्ता कोई मिलेगा नहीं। ओके इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर चाहिए होगा तो भाई। 3 दोबारा करते हैं इनकी, 3 2 1 हो जाए शुरू, लेट्स सी क्या होता है दूसरी बैटल में। कम ऑन, ओके हिल क्यों रहा भाई इतना, जो भी है गाइस, लियोन अपनी अटैक पावर नहीं दिखा रहा अभी, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में जा चुका है, और बैकग्राउंड वाले को इग्नोर करना गाइस। ओ नाइस भाई, दोनों देखो एक जैसी चाल चल रहे हैं यार, अरे हारेगा कौन ये देखना है। ओके ये वाला हार गया भाई, चलो नाइस, नेक्स्ट बेब्लेड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है एल ड्रैगो, मीटियो एल ड्रैगो, ठीक है देखते हैं मीटियो एल ड्रैगो क्या कर पाता है। वो गया, शेट 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 शेट, भाई एल ड्रैगो ने तोते उड़ा दिए उसके, गलती इसी की है वैसे, लियोन की ही नहीं, कोई गलती नहीं है गाइस लियोन की, बस एल ड्रैगो बेटर है। मानो या ना मानो एल ड्रैगो बेटर है, पहला बेब्लेड जो जीता है वो है एल ड्रैगो। ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट लाइटनिंग एल ड्रैगो से कर लेते हैं, लेट्स सी लाइटनिंग भी हरा पाएगा। ये कम ऑन लाइटनिंग एल ड्रैगो, कम ऑन, ठीक है भाई, ठीक है समझ गया मैं, एल ड्रैगो से पंगा नहीं लेने का। इससे हमें ये सीखने को मिलता है गाइस कि एल ड्रैगो से पंगा नहीं लेने का, फायर ब्लेज से पंगा लेंगे हम, फायर ब्लेज से पंगा लेने का है गाइस। बर्न फिनिक्स, बर्न फिनिक्स, ओके देखते हैं भाई क्या रहता है इनका। कम ऑन लियोन स्टार्टिंग में 3 से हार जीत गया, लेकिन बाद में दोनों एल ड्रैगो से हार गया। लेट्स सी फायर ब्लेज से जीतता है या हारता है, स्टेमिना बैटल में तो आराम से जीत जाता है वैसे, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी हम देख लेंगे। और मेरे को बताओ यार, हम वाइट स्टेडियम ही यूज़ करें मेटल फाइट्स के लिए या फिर ये वाला अच्छा है? मेरा मानना ये है कि ये ज़्यादा अच्छा है उनके लिए, उनको ग्राउंड भी ज़्यादा मिल जाता है और काम भी ज़्यादा कर पाते हैं इसमें वो, अटैक वटैक और रिंग आउट भी आराम से हो जाता है, और फायर ब्लेज भी हारता है। स्टेमिना में तो भाई कोई चांस ही नहीं है, स्टेमिना में फैंटम ओरियन से लास्ट करेंगे बस, सेजिटेरियो का तो पता ही है भाई। ओ नो सेजिटेरियो जीत गया गाइस, फिर से करेंगे। हाँ तो जो सेजिटेरियो है इसकी एक कमजोरी है, सिर्फ एक कमजोरी है इसकी, जिसकी वजह से हार जाता है ये,
लेकिन इस बार मुझे लगता नहीं है कि वो कमजोरी काम आएगी सजिटेरियो की, नहीं लियोन की। उसके लिए सजिटेरियो को डाउन करना पड़ेगा और वो मुश्किल लग रहा है मेरे को अभी। जो सजिटेरियो का गिमिक है वही सजिटेरियो की कमजोरी है। ओके, बहुत तेज तेज टक्कर मार रहा है भाई लियोन और गया, बहुत जल्दी गया गाइस। सबसे बड़ी इसकी खूबी पता है क्या, एक तो ये मार्बल है तो इसका स्टेमिना ज़्यादा है इसका, और अगर बेब्लेड गलती से नीचे टकरा गया तो बेब्लेड का लगभग 10% स्टेमिना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये रबड़ है, जो ग्लूगन होती है वो रबड़ टाइप ही होती है भाई, तो ये पूरा चिपक जाता है बेब्लेड के और ख़त्म कर देता होती है उसी टाइम स्टेमिना ख़त्म। तो ऐसा कुछ सीन है भाई इसका। तो ठीक है, सजिटेरियो भी गया, लास्ट हमारा है फैंटम ओरायन, ये भी जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेमिना टाइप बेब्लेड नियरली इसके इससे 45 सेकेंड ज़्यादा है इसका स्टेमिना, तो देखते हैं। ओरिजिनल नहीं है ये, अगर ओरिजिनल होता तो 5 मिनट का मैंने सुना है कि 5 मिनट तक चल सकता है वो, 5 या 6 मिनट, लेकिन ये भी 3.5 मिनट तक चल सकता है, तो कोई बुरी बात तो है नहीं इसकी भी। 3 मिनट 14 सेकेंड, हाँ ठीक है, देखते हैं भाई स्टेमिना या फिर लियोन का पावर, क्या लगता है कौन जीतेगा, देखने के लिए बने रहें, इसी वीडियो में पता चल जाएगा गाइस। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भाइयों, कर दिया करो यारो, हमको 5 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं गाइस, जल्दी से करवा दो। नहीं, फैंटम ओरायन से मुश्किल है जीतना इसका, फैंटम ओरायन ने हिला दिया इसको, लेकिन अपने स्टेमिना की पावर यूज़ करते हुए अभी, लेकिन ज़्यादा देर नहीं कर पाएगा। कम ऑन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फैंटम जीत जाएगा, स्टेमिना बैटल में को नहीं जीत सकते यार फैंटम से, ऐसा लग रहा है मेरे को, फील आ रही है। यप, नहीं जीत सकते। तो गाइस, इसका जो रेशियो है वो कुछ ऐसे है कि 3 बेब्लेड से हारा है, 5 बेब्लेड से जीता है, तो कह सकते हो 80% विनिंग रेशियो के साथ हमारा लियोन आगे है, उसमें भी सिर्फ दो तो एल ड्रैगो ने ही हराया है। ठीक है, ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताओ आज की वीडियो कैसी लगी, और मेटल फाइट्स की सीरीज़ हमारी स्टार्ट ही रहेगी अभी 1-2 वीडियो तक और शायद, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी मोस्टली ओल्ड पेगासस होगी। ओल्ड पेगासस तो नहीं कह सकते क्योंकि मेरे पास पेगासस सारे नहीं हैं, लेकिन जितने हैं उतनों की फ़ाइट होगी गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय गाइस।